हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम एक और एपिसोड के लिए हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच जो गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट टेस्ट है। आज से हम जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी पाकिस्तान इंशाल्लाह शुरू करेंगे और गेम प्ले की भी वीडियो लाएंगे। और ये श्रीलंका लाइनअप जो मैंने अपने असाब से इज खिलाई है, मेल जोन्स। और इसे आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको टास्क के बाद लाइनअप दिखा दूंगा। अभी टास्क पे चलते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे टॉस जीत चुका है, तो हम यहाँ पे जाएंगे पहले बैटिंग में। तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि लाइनअप वगैरह थोड़ी सी डस्टी और ग्रासी रखी है। की टीम यहाँ पे स्टेडियम में इंटर हो चुकी है और यहाँ पे बॉलर को बॉल थमा दी गई है। और यहाँ पे कैप्टन है दिमत टीम में। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक और इमाम से मैं यहाँ पे ओपनिंग करवा रहा हूँ। तो बाकी भी आपको लाइनअप भी दिखा देता हूँ। तो जो भाई नहीं है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें। तो इस वीडियोस के हम जो है वो 50 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। प्लीज़ 50 लाइक्स कर देना। मैं और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो Here we चले, go, यहाँ पे first फर्स्ट ball of बॉल the और यहाँ पे match, फर्स्ट nothing बॉल और better फर्स्ट ओवर यहाँ than पे getting a game स्पिनर को लेके आए started, हैं। and here और it is, सामने यहाँ पे one हमारे हैं away, अब्दुल्ला one away. शफीक। और यहाँ पे Looking फर्स्ट to get the बॉल lead ऑफ साइड पे started, यहाँ पे just लीव किया not अब्दुल्ला getting the शफीक ball. ने। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार लाइनअप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला शफीक और इमाम से ओपनिंग के बाद शान मसूद, मिडल ऑर्डर में बाबर आजम, रिजवान, आगा सलमान और आमिर जमाल। अभी मैंने एक चेंजिंग इसमें अपने हिसाब से ये रखी है कि जैसे कि टेस्ट लाइनअप में इंटरनेशनल में सरफराज खेल रहे हैं रिजवान की जगह, लेकिन मैंने यहाँ पे रिजवान ही रखा है। और आगा सलमान, आमिर जमाल मैंने फास्ट बॉलर के तौर पर शाहीन अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह और नुमान, और उसके बाद अबरार। इसमें मैंने तीन स्पिनर्स और तीन यहाँ पे मैंने फास्ट रखे हैं। और बाकी आप अपने हिसाब से मुझे लाइनअप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये लाइनअप कैसी रही लगी आपको। अगर इसे में चेंजिंग करनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसे कवर अप करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइनअप आपने देख ली। उसके बाद मैं आपको डिफिकल्टी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं हार्डेस्ट पे खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आती हैं लोगों की कि भैया आप कौन सी डिफिकल्टी में खेलते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रियलिस्टिक जो अपने हिसाब से मैनेज की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस्ट डिफिकल्टी मैंने लेजेंड रखी है। जो के बाद बॉलिंग में ये देखिए हार्डेस्ट है, और बैटिंग भी आपको हार्डेस्ट मिलेगी, और यहाँ पे आपको फील्डिंग भी हार्डेस्ट ही नज़र आएगी। मैं लेजेंड खेल रहा हूँ और बैटिंग, बॉलिंग और यहाँ पे फील्डिंग में मैं हार्डेस्ट पे खेल रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें आप, बैटिंग बॉलिंग सब में मैं हार्डेस्ट पे खेल रहा हूँ, अपनी मेरी बनाई हुई लिस्ट, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे फर्स्ट बॉल हो चुकी है और एक बॉल में अभी तक 0 रन है। और अब्दुल्ला शफीक है यहाँ पे। ओ, रिस बार काफी अंदर आई बॉल, एज लगा डी सिल्वा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब्दुल्ला शफीक 2 बॉल 0 रन, और यहाँ पे डी सिल्वा, और यहाँ पे एक और अच्छी बॉल। और ये होती है भाई लेजेंड। इसमें डिफिकल्टी में लेजेंड और हार्डेस्ट पे यही होता है कि आप एज भी लगते हैं जैसे आप बिल्कुल रियल मैच खेल रहे हो। और कैचेस, फील्डिंग और यहाँ पे हर बॉल पे आप शॉट्स लगा सकते, जैसे बिल्कुल आपको स्टेमिना रखना पड़ता है, फुटबॉल खेलना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा हार्डेस्ट पे। और यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक 4, और यहाँ पे 5th बॉल 0 रन। और इस बार गैप खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी डॉट यहाँ पे, अच्छी बॉलिंग, फर्स्ट ओवर मैडन ओवर। और इस बार सामने इमाम अल हक जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग है यहाँ पे। 350-76 का स्कोर। और यहाँ पे दिनेश चंदीवाल। और यहाँ देखें, फर्स्ट ओवर भी स्पिनर और सेकंड ओवर भी यहाँ पे स्पिनर्स ही लगाया है श्रीलंका ने, क्योंकि शुरू में ही श्रीलंका की जो है स्पिनर्स काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और यहाँ पे, और इस बार ऑफ साइड पे बॉल, लेकिन यहाँ पे गैप, लेकिन ओनली सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। गैप तो मिला था लेकिन बॉल काफी स्लो। 6 बॉल 0 रन। और इस बार गैप, लेकिन नो फील्डर के पास है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल रन था, रन आउट का चांस था यहाँ पे। और एक बार फिर यहाँ पे ऑफ साइड पे बॉल, लेकिन इस बार गैप, तो यहाँ पे लगेगा कि एक बार फोर, लेकिन फिर बॉल काफी स्लो। 3 रन आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, अच्छा शो खेला था इमाम उल हक ने, लेकिन काफी बड़ा ग्राउंड है ऑफ साइड पे। यहाँ पे 3 रन आए इमाम उल हक के बैट से, अच्छी बैटिंग यहाँ पे।
और इस बार अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर दोनों फील्डर के दरमियान से, लेकिन इस बार तो फोर आएगा, इस बार बॉल जीत गई है अब्दुल्ला शफीक। ये देखें ऑफ साइड पे कवर ड्राइव और अच्छी शॉट, यहाँ पे फोर मिला। फास्ट बॉलिंग यहाँ पे आई है फर्नाडो मामूला, फोर बॉल फोर रन्स और फाइव एट पे फाइव अब्दुल्ला शफीक। और इस बार लीव किया इमाम उलक ने अच्छी, और एक बार फिर लीव, लेकिन इस बार इन स्विंग काफी विकेट के बाद काफी अंदर आई बॉल, और इस बार गैप, इस गैप पे मिलेगा फोर फास्ट बॉल। और यहाँ पे वेल फोर फर्स्ट फोर बॉल यहाँ पे डॉट लीव की, लेकिन फिफ्थ बॉल यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी आगे ऑफ साइड पे आई तो अच्छा शॉट यहाँ पे कवर ड्राइव इमाम उल्लाह की। ऑफ पे काफी अच्छा खेलते हैं यहाँ पे देखें, और रिप्ले में आपको थोड़ी सी यहाँ पे लैगिंग मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन पे सही में सेटिंग, पहले मैं जो फेस कैम के अलावा करता था गेम रिकॉर्डिंग, वो मैं जो है एनवीडिया के सॉफ्टवेयर से करता था, तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा ओबीएस में, थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करने की ज़रूरत है, वो मैं आस्ता आस्ता जो है ना इंशाल्लाह कवर अप करूँगा। बाकी आपको गेम बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, जस्ट रिप्ले में आपको थोड़ी सी लैगिंग नज़र आएगी। और यहाँ पे फ्रंट फुट पे डिफेंड किया, अच्छी बैटिंग यहाँ पे, और इस बार स्वीप शॉट, टू फील्डर थे लेकिन टू फील्डर के दरमियान में यहाँ पे बिल्कुल गैप, फोर सेकंड फोर यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का। इस बार जो है स्वीप शॉट लेग साइड पे, ये देखिए अच्छी शॉट यहाँ पे, टू फील्डर थे दोनों के दरमियान में यहाँ पे फोर, अच्छी शॉट यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक सेकंड हाफ। और यहाँ पे फिर आगे बॉल, लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ पे फ्रंट फुट, और इस बार फ्लिक किया मिड ऑन पे, एक और फोर, टू फोर इस ओवर में, व्हाट अ बैटिंग अब्दुल्ला शफीक। ये देखिए इस बार फिर लेग साइड पे आई और मिड ऑन पे फ्लिक, हल्का सा फ्लिक किया, ये देखें फ्रंट फुट पे, और अच्छा फ्लिक फोर आया। देखिए थोड़ी सी आपको लैगिंग नजर आ रही है रिप्ले में, ओबीएस की थोड़ी सी सेटिंग की जरूरत है, वो मैं आस्ता आस्ता इंशाल्लाह कवर करूंगा। और इस बार लीव करना चाहते थे, ऐसे लग रहा था कि ऑफ साइड पे बॉल आएगी, लेकिन काफी हवा में बॉल अंदर आई इस वक्त। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव सीधे बैट से, लेकिन फोर तो नहीं, टू रन यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे इमाम को, और अच्छी बैटिंग यहाँ पे, अभी तक विकेट जमाई हुई है यहाँ पे। और इस बार फ्लिक ओनली सिंगल है, क्योंकि फील्डर यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक अच्छी बैटिंग यहाँ पे पाकिस्तान की चल रही है। और यहाँ पे लीव किया अब्दुल्ला शफीक ने, 5 ओवर 24। और इस बार काफी थोड़ा सा पीछे बॉल थी, लेकिन लीव किया इमामुल्लाह ने, अच्छी बैटिंग यहाँ पे। और इस बार लेग साइड पे, लेकिन पीछे फील्डर हैं, टू की कॉल है यहाँ पे, तो टू यहाँ पे आराम से, लेकिन लास्ट में डाइव अच्छी यहाँ पे। ओह नो, यहाँ पे फर्स्ट विकेट, ओफो यार यहाँ पे गलत शॉट खेल गए हैं, यहाँ पे मिड ऑफ पे गैप निकालना चाहते थे, लेकिन थ्री रिव्यूज पड़े हैं, लेकिन रिव्यूज का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यहाँ पे आज लगा। और ये देखिए मिड ऑफ पे यहाँ पे शॉट खेलना चाहते थे गैप में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट विकेट पाकिस्तान की, और इमाम उलक 13 रन पे यहाँ पे आउट। अब आया यहाँ पे शान मसूद, 25 मैचेस 13 17 8 रन, और ये है जी लास्ट विकेट यहाँ पे, ये देखें रिप्ले में आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी बॉल दिनेश चंदीमल की, और यहाँ पे पहले जो लीव की थी ये भी लीव करनी चाहिए थी, ये देखें मिड ऑफ पे यहाँ पे शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन हल्का सहज लगा और सीधा कीपर के हाथ में, और फर्स्ट विकेट यहाँ पे पाकिस्तान की 26 रन पे गिर चुकी है। अब आए शान मसूद, और यहाँ पे एक और है जो नो, एक बार फिर यहाँ पे दिनेश चंदीमल की विकेट, और इस बार डिफेंस किया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे ऑफ स्पिन बॉल, और यहाँ पे अनदर विकेट, ये देखें काफी स्लो बॉल, और यहाँ पे फ्रंट फुट पे यहाँ पे डिफेंड करना था साथ शान मसूद, और एक और यहाँ पे विकेट। और नो, अब आए बाबर आजम कैप्टन, 1855 सेंचुरीज, ये देखें जी रिप्ले में आपको दिखाता हूँ जो लास्ट विकेट है, इस बार डिफेंड किया था, लेकिन यहाँ पे
देखें जी, ये है रीप्ले। यहाँ पे देखें ऑफस्पिन बॉल, ये देखें बिल्कुल बॉल ऐसे नकल बॉल जिसे कहते हैं, ये देखें, और ये देखें काफी अंदर बॉल, और यहाँ पे ग्लव्स में 2 विकेट। शुरू में काफी अच्छी यहाँ पे बैटिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ पे 2 विकेट चंदीमल। अब थोड़ी सी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और यहाँ पे विकेट रोकनी पड़ेगी बाबर आजम को, और सेंचुरी सेंचुरी की पार्टनरशिप यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। और इस बार गैप शॉट, अच्छी शॉट, लेकिन 2 रन्स दिया, 2 रन्स मिलेंगे। अच्छी यहाँ पे शॉट है अब्दुल्ला शफी की गैप में, और 2 रन्स मुकम्मल किए। और इस बार काफ़ी अंदर बॉल, और ये मेरे ख्याल में आउट भी था, काफी तेज बॉल इस बार की है। देखें 9 बॉल ना होती और यहाँ पे अपील होती है, और ये LBW मेरे ख्याल में बिल्कुल आउट था। ये देख लें, आपको एक बार रिप्ले में दिखा देता हूँ, काफी तेज बॉल देखें, बिल्कुल सामने आउट था बिल्कुल यहाँ। और यहाँ पे एक और शॉट, एक और गैप, और मिड ऑफ पे एक और फोर, यहाँ पे अच्छी टाइमिंग, अच्छी यहाँ पे फ्रंट फुट वाला, देखिए फ्रंट फुट पे हल्का सा यहाँ पे रोम, और यहाँ पे मिडो पे फोर, अच्छी शॉट यहाँ पे। और इस बार थोड़ी सी पीछे शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन यहाँ पे लीव किया, अच्छी बैटिंग अब्दुल। और एक बार फिर यहाँ पे दिनेश चंदीमल, 2 विकेट्स और 19 रन 3 ओवर, बहुत ही अच्छा। बाबर आजम यहाँ पे सेकंड बॉल, और यहाँ पे फ्रंट फुट पे एक और डिफेंड अच्छा आउट किया है, और यहाँ पे कैच था, काफी तेज बॉल थी, लेकिन अगर पकते तो यहाँ पे कैच था। और इस पास स्वीप, और स्वीप इसी पे मिलेगा सिंगल, टाइमिंग थोड़ी सी लेट आई है। और एक बार फिर यहाँ पे फर्नाडो, और यहाँ पे गैप मिलेगा, जी हाँ मिलेगा गैप, यहाँ पे मिस फील्डिंग है थोड़ी सी, और 2 रन्स की कॉल है, 2 रन आसानी से यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक। और इस बार सामने, इस बार सामने 4 आएगा भाई, मुझे लग रहा है ऐसे कि जैसे अब्दुल्ला शफीक का यहाँ पे बैट चल चुका है, और अब्दुल्ला शफीक ऑफ साइड लेग साइड, और इस बार ऑफ साइड पे यहाँ पे एक और 4, अनदर 4, बैक टू बैक यहाँ पे 4 अब्दुल्ला शफीक के। ये देखें एक बार फिर फ्रंट फुट पे आए, और बिल्कुल चार्ज किया यहाँ पे, अंडर प्रेशर कर दिया यहाँ पे बॉलर को, देखें एक बार फिर फ्रंट फुट पे, और अच्छी शॉट अब्दुल्ला शफीक की, सेकंड 4। और इस बार अच्छा डिफेंस, बिल्कुल लैंड ऑफ लेंथ पे बॉल थी इस बार, और यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, और यहाँ पे 4 फील्डर यहाँ पे आपको आउट फील्ड में मिलेंगे, और यहाँ पे एक बार फिर ऑफ साइड पे, लेकिन अब यहाँ पे सर्कल से 4 फील्डर यहाँ पे बाहर लिए हुए हैं, और यहाँ पे ऑफ साइड, इस बार कवर ड्राइव खेल दिया बाबर आजम ने, 2 रन्स यहाँ पे मिलेंगे बाबर आजम, और इसी 2 रन्स के साथ 4 रन 8 बॉल बाबर आजम, और सामना करेंगे अब्दुल्ला शफीक नेक्स्ट ओवर। और इस बार फ्लिक, बिल्कुल टाइमिंग, इस बार टाइमिंग आई है, और सीधा बैट पे मिडल ऑफ द बैट, और यहाँ पे अनदर 4, और यहाँ पे अगर फर्नांडो को देखा जाए तो काफी चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक। ये देखें इस बार फ्लिक, और कमाल की शॉट यहाँ पे 4 लेग साइड पे, ये थोड़ा सा अच्छी यहाँ पे रन रेट के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक और फ्लिक लेग साइड पे, कोई फील्डर यहाँ पे मौजूद नहीं है, और अनदर 4, ये दूसरी बार है कि लास्ट ओवर में फर्नांडो को लगातार 2-4 आए थे, और इस बार फिर बैक टू बैक 4 लेग साइड पे, और इस बार आउट स्विंग, और यहाँ पे लीव किया बाबर आजम, इस बार स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर पीछे मौजूद है, 2 रन की कॉल है, तो 2 रन आराम से मिल जाएंगे, काफी बड़ा स्टेट है यहाँ पे, अच्छी बैटिंग यहाँ पे, कैप्टन पूरा साथ दे रहे हैं यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का, ना कि काफी लगातार 2 विकेट काफी जल्दी यहाँ पे गिर चुकी थी, उसके बाद बाबर आजम आए, और अच्छी यहाँ पे बैटिंग, और इस बार कवर ड्राइव बाबर का, और बहुत ही कम होता है ऐसे कि जैसे बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते हैं, तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बाउंड्री ना मिले, क्योंकि
बहुत अच्छी टाइमिंग होती है बाबर के पास, बिल्कुल यहाँ पे देखे वेट करते हैं बॉल का। और ये देखें, ये कवर ड्राइव बाबर की, और इस बार आगे बॉल, लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ पे फ्रंट फुट पे। और इस बार सिंगल, काफी क्लोज मामला है, और जहां पे लास्ट में डाइव। ओ भाई ये क्या कर रहे हो, अभी टू विकेट यहाँ गिरी हैं। और ये, ओ इस बार सिंगल की कोशिश थी, लेकिन बिल्कुल डीप। और इस बार फोर, मेरे ख्याल में मैंने सोचा था शायद यहाँ पे, क्योंकि मैं सिंगल की तरफ खेला था, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग इतनी लाजवाब थी बाबर आजम की, और हल्का सा यहाँ पे बैट ही दिया, और यहाँ पे फोर, क्योंकि मैं कमेंट्री से भी खामोश था, क्योंकि मेरा रहता था यहाँ पे सिंगल का। लेकिन ये देखे बिल्कुल अच्छी टाइमिंग यहाँ पे, और गैप में फोर मिला, और यहाँ पे एज, और बाबर आजम की यहाँ पे विकेट। भाई बाबर आजम चलते बने इस बार, फिर यहाँ देखो काफी तेज बॉल, और यहाँ पे ये देखें काफी यहाँ पे तेज बॉल, और बस हल्का सा यहाँ पे एज ही लगा है, और थर्ड मैन पे कमाल का कैच भाई, चंदी मल थे, बहुत अच्छा कैच। और यहाँ पे बाबर आजम अपनी विकेट दे चुके हैं, ओनली 17 रन पे 23 बॉल, जस्ट 2 for इस इनिंग्स में आए हैं। और यहाँ पे अब आए जी मोहम्मद रिजवान, और यहाँ पे 74 पे 3 विकेट्स यहाँ पे गिर चुकी हैं। और ये है जी हाइलाइट्स, ये है विकेट की हाइलाइट, ये देखें काफी तेज बॉल, जस्ट यहाँ पे ऑफ साइड पे, यहाँ पे ये वो बॉल थी लास्ट बॉल, यहाँ पे बाबर आजम विकेट दिए। यहाँ देखें सिंगल के लिए यहाँ पे गए थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट किनारा, और काफी तेज बॉल और अच्छा कैच यहाँ पे थर्ड मैन पे, 74 पे 3 विकेट, 14 ओवर। और इस बार लीव किया अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक थोड़ी सी खेल रहे हैं यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी के साथ, लग रहा था कि जैसे पार्टनरशिप लगेगी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के दरमियान, लेकिन यहाँ पे विकेट दे चुके हैं बाबर आजम। और इस बार शेड ड्राइव है, तो शुभ भी यहाँ पे फोर मिले, नो यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, लास्ट में डाइव, और एक रन अपनी टीम के लिए यहाँ पे सेव किया श्रीलंका ने, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, जैसे लास्ट कैच था बहुत ही अच्छा कैच। और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, रिजवान ने यहाँ पे लीव किया, और इस बार काफी तेज शॉट, तेज बॉल और तेज क्रैक की शॉट यहाँ पे, और इसी फोर के साथ तो ये 50 यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही अच्छी इनिंग, 9 for। और यहाँ पे ये देखें 51 रन, 113 के स्ट्राइक रेट से, बहुत ही अच्छी बैटिंग। और इस बार डिफेंस किया, और यहाँ पे पिच के ऊपर से सिंगल, मोहम्मद रिजवान 4 ball अभी तक 0 run। और एक बार फिर यहाँ पे, और ये है जी 50 अब्दुल्ला शफीक की, ये देखें ये 4 हैं जो येलो कलर की आपको लेंस नजर आ रही हैं, ये 4 और बाकी सिंगल डबल। ओ नो यहाँ पे मिस फील्डिंग, और रन्स भी लेना चाहते थे, एक बार मना किया यहाँ पे, और उसके बाद मिस फील्डिंग, 2 runs। और इस बार गैप आया, इस बार गैप आया, और फर्स्ट 4 आएगा रिजवान के बैट से, 10 for 7 runs, व्हाट अ शॉट, अच्छा यहाँ पे मिडल किया बॉल को, पूरा रूम दिया यहाँ पे ऑफ साइड पे, ये देखें फ्रंट फुट पे, अच्छी शॉट, 4, फर्स्ट 4 रिजवान के बैट्स, मैथ्यू सामने रिजवान, और इस बार बैक फुट पे मिडल, लेकिन 2 run यहाँ पे आसानी से रिजवान को मिलेंगे C2 के साथ डालना। और इस बार थर्ड मैन पे नीचे फील्डर हैं, लेकिन 4, अच्छी यहाँ पे शॉट खेली है रिजवान ने, और यह देखे बैक फुट पे शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, स्लो बॉल, और यहाँ पे एक रिस्क था यहाँ पे बाउंड्री का, ये देखें। और इस बार गैप है, इस बार भाई गैप है रिजवान का, तो 4 तो हो ही जाएगा भाई, अच्छा फ्लिक कवर ड्राइव, ये देखें इस बार कवर पे फ्लिक किया था, हालांकि कवर ड्राइव नहीं थी, ओनली फ्लिक किया था, लेकिन अच्छी शॉट, 4। और इस बार तो बाल बाल बचे हैं भाई,
और यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक थोड़े से नर्वस हो चुके हैं 50 के बाद। एक बार फिर यहाँ पे स्पिनर लेके आए हैं जसूरिया, लास्ट ओवर मैडन किया था, और अब्दुल्ला शफीक सामना कर रहे हैं यहाँ पे जसूरिया का। सेकंड बॉल यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे बॉलिंग चेंज, और अब आए हैं यहाँ पे वनिंदो हसरंगा आए हैं यहाँ पे, और सामने रिजवान, और अच्छी बॉल, फर्स्ट बॉल यहाँ पे लाइन ऑफ लेंथ, रिजवान 20। और इस बार रिजवान की कवर ड्राइव, स्पिनर पे चार्ज, हसरंगा को आते यहाँ पे शार्ट्स का बता दिया कि क्योंकि रिजवान खड़े हैं यहाँ पे क्रिस पे। और इस बार गैप, इस बार स्वीप है, रिजवान थे इस बार, और ये फेवरेट एरिया मोहम्मद रिजवान का। अगर आप राउंड द विकेट लेग साइड से बॉल डालते हो और लेग स्टंप पे बॉल करते हो अपनी लाइन ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे रिजवान आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये एरिया जो है लेग साइड पे और फाइन लेग पे, ये रिजवान का फेवरेट है। अभी कैप्टन भी यहाँ पे सरंगा को बताते हुए कि यहाँ पे भाई यहाँ पे बॉल आप करोगे तो आपको यहाँ पे मार। और ये देखें फोर के बाद यहाँ पे डिसीजन लिया है उन्होंने राउंड द विकेट, और इस बार ऑफ साइड पे गैप, लेकिन भाई यहाँ पे हाथ के बजाय जूतों से रोकी है बॉल। और इस बार गैप ढूंढना चाहते थे अब्दुल्ला शफीक, काफी देर से यहाँ पे गैप तलाश कर रहे हैं, और इस बार शॉट पे गए हैं अब्दुल्ला शफीक, और सिक्स, फर्स्ट सिक्स यहाँ पे पाकिस्तान इनिंग्स में, फर्स्ट सिक्स यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का, और यहाँ पे 50 रन की पार्टनरशिप रिजवान अब्दुल्ला शफीक। ये देखें ये है जी लास्ट शॉट, आगे बॉल और फ्रंट फुट पे, अब भाई हसरंगा सामने रिजवान, और यहाँ पे फ्रंट फुट पे यहाँ पे डिफेंस किया, काफी स्लो गुगली बॉल। जो भाई नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 50 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज यहाँ पे 50 लाइक्स दें, और इंशाल्लाह ऐसी और भी गेम प्ले आपको टाइम बाई टाइम ला के देता रहूँगा। जैसे कि अब एशिया कप आ रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो सब की गेम प्ले और लाइव स्ट्रीम भी इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप बना रहा था वो अब मैंने सेटअप मुकम्मल कर लिया। तो प्लीज़ हमारे साथ चलें, लाइक्स करें वीडियोस को, कमेंट्स करें, और 73 बॉल पे 67 अब्दुल्ला शफीक यहाँ पे, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे बाउंड्रीज आई हैं अब्दुल्ला शफीक के बैट से, वो भी सिक्स की जान। ओ भाई यहाँ पे तो काफी अच्छी बॉल अब्दुल्ला शफीक, और इस बार लेग साइड पे, लेकिन मिस फील्डिंग, ओनली सिंगल लेना है भाई, डबल पे लेगो तो विकटें उड़ जाएंगी यहाँ पे भाई। पर फिर यहाँ पे असरंगा, और यहाँ पे, और यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग चल रही है रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान, असरंगा, और यहाँ पे चांस था एक और विकेट का, और यहाँ पे रिजवान को मिला है एक गिफ्ट, गिफ्ट के बदले में यहाँ पे फोर है भाई। ये कैच था, कैच ड्रॉप किया यहाँ पे विकेट कीपर ने। ये देखें ऑफ साइड पे, यहाँ पे काफी तेज शॉट खेलना चाहते थे हसरंगा को, और काफी अंदर बॉल, लेकिन बैट के बाद काफी तेज बॉल निकली जहाँ से कीपर बॉल पकड़ नहीं पाई, और यहाँ पे कैच, और यहाँ पे लीव किया एक बॉल, फिर वही बॉल, लेकिन इस बार लीव किया रिजवान। यहाँ पे एक बार फिर हसरंगा आए हैं फोर्थ ओवर डालने, 19 रन आए हैं 3 ओवर में, और यहाँ पे काफी तेज बॉल हसरंगा की 95 किलोमीटर पर आवर, बल्कि 96, क्योंकि 95.9 थी, काफी तेज बॉल अब्दुल्ला शफीक के बाद। रिजवान यहाँ पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग की तारीफ करें तो भाई श्रीलंका की बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। और यहाँ पे हुआ जी वाटर ब्रेक, तो शादाब खान लेके आए हैं भाई दो बोतल यहाँ पे, एक रिजवान और एक यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक के लिए। तो भाई यहाँ पे रेस्ट हुआ है फर्स्ट सेशन, और यहाँ पे ये देखे 30 ओवर्स, 151 रन, 3 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं अब्दुल्ला शफीक, नॉट आउट, 70 रन 84, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक की। और अगर इमाम उलक तो थोड़ा सा जल्दी आउट हो चुके थे कि चंदीमल और पीछे कीपर का कैच, उसके बाद शान मसूद जो जीरो पर फर्स्ट बॉल पे, इमाम के बाद पीछे ही शान मसूद चले गए, उसके बाद 70 रन की इनिंग्स खेली बाबर आजम ने, जो थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, व्हाट अ बैटिंग 49 फर्स्ट पे अब्दुल्ला शफीक के बाद रिजवान, अच्छी बैटिंग 49, और उसके बाद आगा सलमान, अमर, ये हैं जी बॉलर जो सबसे ज़्यादा रन दिए हैं, वो हैं जी फर्नेडो 6। चले जी नेक्स्ट सेशन है, सेकंड सेक्शन यहाँ पे पाकिस्तान का, और जय सूर्या।
सामने है रिजवान और ऑफ साइड पे बॉल ऑफ ब्रेक, लेकिन यहाँ पे लीव किया और इस बार लेग साइड पे फ्लिक किया और इसी सिंगल के साथ यहाँ पे 50 हुई है रिजवान की। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ ब्रिलियंट बैटिंग यहाँ पे, वाओ 6455 बॉल पे 90 का स्ट्राइक रेट। और इस बार आगे बॉल है बैट के नीचे तो 6 होगा इस बार, नो इस बार 4। अच्छी शॉट यहाँ पे, यहाँ पे अपना प्रेशर दूर करते हुए अब्दुल्ला शफीक, जय सूर्या सेकंड बार हिट ऑफ पे यहाँ पे फील्डर। और इस बार फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेके नहीं छोड़ने वाले भाई अब्दुल्ला शफीक, यहाँ पे अपना प्रेशर दूर करते हुए और अपने निशाने में लेके आते हुए जय सूर्य को। ये देखिए इस बार काफी पीछे बॉल, अच्छा फायदा उठाया देखें, लेकिन इस बार फायदा अच्छा उठाया जी रिजवान ने, वाओ इस बार स्वीप खेला और पीछे थर्ड मैन पे, ये देखें बहुत ही अच्छी शॉट इस बार सरंगा जो है लेग स्टंप पे खिला रहे हैं और अच्छा फायदा यहाँ पे उठाया, अच्छी टाइमिंग और अच्छा। और इस बार काफी तेज शॉट, काफी तेज फ्लिक किया यहाँ पे मिड ऑन पे और यहाँ पे मिला जी 4 रिजवान को, बैक टू बैक 10 रन यहाँ पे 4 बॉल पे आ चुके हैं सरंगा को, 2-4 2 वाइड। और इस बार फिर एक गैप है, फ्लिक किया यहाँ पे मिड ऑफ पे और 2 रन यहाँ पे, लेकिन 3 रन, अच्छी शॉट यहाँ पे रिजवान की और 34 ओवर्स के बाद 177 पे 3। और इस बार बॉलिंग थोड़ी सी चेंज है, फिंगर स्पिन यहाँ पे आई है जी राइट आर्म रमेश मेंडिस, 34 ओवर्स सामने है जी रिजवान। और यहाँ पे अच्छी बॉल, काफी तेज डिलीवरी इस बार 90, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे भाई, अच्छी बॉल हवा में बॉल इधर उधर करते हैं यहाँ पे। और इस बार थर्ड मैन पे काट, काट निकालने में यहाँ में कामयाब हुए रिजवान और इसी कट के साथ 4, व्हाट अ शॉट, ग्लोरियस 4 इस बार। ये देखें बैक फुट पे, रीप्ले में देखें बैक फुट पे हल्का सा यहाँ पे काट। और इस बार सामने शॉट खेल दिया, नीचे फील्डर हैं रिजवान, ओ नो, ओ भाई यहाँ पे विकेट गई है जी रिजवान की, बहुत ही अच्छी बॉल थी इस बार विकेट दे चुके हैं, बहुत ही अच्छी इनिंग 17 रन 9-4 और बहुत ही अच्छी बैटिंग थी, काफी रुक के अपनी बैटिंग जमाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक गलती की शॉट पे यहाँ पे विकेट दे चुके हैं रिजवान। और श्रीलंका 185 पे 4, और भाई वेल बॉल और फर्स्ट बॉल यहाँ पे बहुत ही आउट स्विंग और यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव खेल दी है और अच्छा पंच किया यहाँ पे, अच्छा पंच किया यहाँ पे आगा सलमान ने, मैंने इसको बिल्कुल वाइट वॉश फोर किया। ये देखें सामने बॉल एक बार फिर स्विंग करना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधा बैट लेके आगा सलमान और यहाँ पे 4 फर्स्ट 4 के साथ शुरुआत किया यहाँ पे आगा सलमान ने, 2 बॉल पे 4 रन। और यहाँ पे बैक फुट पे हल्का सा फ्लिक किया और 1 सिंगल यहाँ पे मिलेगा इसी सिंगल के साथ, 5 रन आगा सलमान, 3 बॉल और 9 रन यहाँ पे सिल्वा। और आगे हैं आगा सलमान, ओ भाई इस बार तो क्लोज है, ये मामला क्लोज है थोड़ा सा और अंपायर का फासला देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अंपायर बिल्कुल ही यहाँ पे मुतफिक नहीं है, यहाँ पे मोटी चांस लग रहा था, ऑफ साइड भी काफ़ी बॉल है और जी हाँ यहाँ पे आउट साइड ऑफ। इस बार आगा सलमान, ओ भाई क्या कर रहे हो यार, इस बार तो काफी क्लोज मामला था, ये देखे रिप्ले में काफी क्लोज विकेटों के बिल्कुल सामने, ये देखे बिल्कुल पास से गुजरी बॉल, ओ भाई। और यहाँ पे प्रेशर आगा सलमान, 15 बॉल 5 रन और यहाँ पे डॉट बॉल्स काफी खेल रहे हैं आगा सलमान, नो नो वही मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे प्रेशर में खेल रहे हैं आगा सलमान। और भाई यहाँ पे एक और विकेट, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, अच्छी यहाँ पे बॉलिंग चेंज की और स्पिनर और यहाँ पे एक और विकेट ले गए हैं, अच्छी बॉल, अच्छी ऑफ पे ऑफ स्पिन की और यहाँ पे आगा सलमान
पहले ही थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, और यहाँ पे विकेट 5 रन पर जस्ट। और अब आए जी अमर जमाल, आते ही दो शिकार यहाँ पे कर चुके हैं ये बॉलर, एक रिजवान और इस बार आगा सलमान। ये देखें ऑफ स्विंग और यहाँ पे सीधा कीपर के हाथ में बॉल, सॉरी ये डिसिल्वा थे, अमर जमाल। और इस बार लीव किया अमर जमाल ने, आते ही जाने दिया बॉल को। यहाँ पे 4 फील्डर ऊपर आ चुके हैं भाई बैट्समैन के, फुल प्रेशर में। ओ नो भाई, ये बॉलिंग की समझ नहीं। ओ नो भैया, एक और यहाँ पे डॉट, अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पे खेलना पड़ेगा, अपनी विकेट यहाँ पे रोकने की जरूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे गई है गैप में बॉल, 4 आएगा भाई, भागने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा मिडल इस बार, अच्छी टाइमिंग, और यहाँ पे 4 बिल्कुल पास आ चुके हैं यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी के। ये देखें फ्रंट फुट पे यहाँ पे फ्लिक और गैम में बॉल, और इस बार सामने शॉट है भैया, 4 स्ट्रेट पे जो शॉट आती है स्पिनर को अब्दुल्ला शफीक की भाई, वो 4 या 6 ही होता है। ये देखें थोड़ा पायर बाउ निकाला, और इस बार 4 अमर जमाल लास्ट बॉल, देखते हैं भाई क्या आता है। और यहाँ पे अच्छी बॉल, वेल बॉल, एक और डॉट, और यहाँ पे फ्लिक, गैप में गई है बॉल। क्या यहाँ पे 4 होगा, क्या यहाँ पे 4 होगा, और जी हाँ यहाँ पे 4, व्हाट अ 4। विकेट के गिरने के बावजूद यहाँ पे अपना हौसला नहीं हारे अब्दुल्ला शफीक, 96 अब्दुल्ला शफीक जस्ट 1-4 और सेंचुरी यहाँ पे। और नो भाई, फुल प्रेशर डाल रही है यहाँ पे श्रीलंका की टीम, और लेकिन हमारे भाई यहाँ पे प्रेशर लेने वाले नहीं है। और अभी तक अमर जमाल 0 पे, 4 बॉल, और एक बार फिर यहाँ पे डॉट अब्दुल्ला शफीक, और इस बार गैप है, गैप है 2-2-2-4 तो नहीं होगा, 2 रन यहाँ पे, जी हाँ 2-2, अच्छी रनिंग यहाँ पे, 2 रन मुकम्मल किए। जल्द ले जी सिंगल चाहिए यहाँ पे सेंचुरी को, ले जी यहाँ पे सिंगल, और हाँ यहाँ पे गैप मिला है भाई, गैप मिला है, सिंगल नहीं डबल डबल डबल, जी हाँ, और इसी डबल के साथ हुई है सेंचुरी, 101 रन अब्दुल्ला शफीक, फैंटास्टिक इनिंग्स यहाँ पे, 114 बॉल पे 15-4-1-6, व्हाट आ इनिंग्स। और ये है जी सेंचुरी, व्हाट आ इनिंग्स, व्हाट आ बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, ओपनिंग आए हैं और अपनी टीम के लिए यहाँ पे डटे हुए, 1-6 है इस इनिंग्स का, और 15-4। और इस बार अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल थी लेकिन बाउंस के बाद काफी